स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। दैनिक जागरण समूह की तरफ से आज सढ़ौरा में गो ग्रास संकल्प दिवस मनाया गया, जिसके तहत आज कस्बे की विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग सढ़ौरा रेस्ट हाउस में एकत्रित हुए और सभी ने गो ग्रास संकल्प दिवस मनाते हुए गो ग्रास हेतु संकल्प लिया, साथ ही गो वंश के सुरक्षा व संवर्धन करने का भी संकल्प लिया। सभी ने यह भी संकल्प लिया कि वे गो वंश के सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए अपने परिचितों व रिश्तेदारों को भी इस मुहिम में जोड़ेंगे। आइए इस संकल्प दिवस की कुछ झलकियां देखते हैं। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हमारी सभ्यता व संस्कृति के अभिन्न अंग गो वंश की सुरक्षा, गो वंश की सुरक्षा व सुरक्षा के लिए अहम गो ग्रास की व्यवस्था, अहम गो ग्रास की व्यवस्था व्यक्तिगत व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर हम स्वयं करेंगे, हम स्वयं करेंगे। खुद चारा पानी जुटाने के साथ साथ अपने अपने परिवार परिवार पड़ोसी पड़ोसी व मित्रों को भी चारा व्यवस्था में आहुति देने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रेरित करेंगे। दैनिक जागरण द्वारा आज के दिन गो ग्रास दिवस को मनाया जाना बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम सभी दैनिक जागरण की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं और समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, सभी बुद्धिजीवियों को व सभी सर्वसाधारण से प्रार्थना करते हैं कि वे संकल्प लेके इसको व्यवहारिक रूप दें, अपने दैनिक जीवन में इस संकल्प का पालन करें। जानना चाहेंगे पंकज चुग जी, आज क्या कार्यक्रम, क्या किस प्रकार का संकल्प लिया गया यहाँ पे? जी जैसे कि आज दैनिक जागरण के द्वारा ये मुहिम चलाई गई, उसके लिए हम भाई हर्ष जी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने सभी संस्थाओं को एकजुट होकर यहाँ पर बुलाया और यह बात रखी कि भी हमें अपने गौ वंश की कैसे रक्षा करनी है। जी जी। और यह सुनिश्चित करना है कि कैसे इनको आगे बचाया जाए। जी। जो बेसहारा पशु बाहर घूम रहे हैं, इनको कैसे इन तक चारा पहुंचाया जाए, पानी की व्यवस्था इनकी की जाए। और जैसे हमारे यहाँ पर भूमि पड़ी हुई है, गो चरान जैसे नाम उनका है बोला जाता है, वो कैसे इनके लिए व्यवस्थित की जाए ताकि बेसहारा पशुओं को वहाँ पर रखा जाए, उनकी व्यवस्था की जाए। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि अपने आसपास जो भी आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए थोड़ी बहुत चारे की और पानी की व्यवस्था अवश्य करें। धन्यवाद। इससे पूर्व कस्बे की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लोग दैनिक जागरण संकल्प लेने से पूर्व आज समाज सेवी संस्थाओं के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने गौवंश की सुरक्षा और संवर्धन पर विचार विमर्श, दैनिक जागरण की इस पहल पर विचार विमर्श किया। तब तक तो इनका सहारा लेकर वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जब इनका शरीर असमर्थ हो गया, इनको उन्होंने बेसहारा कर, तो इनका अपना कसूर क्या, इनको आवारा किस प्रकार से क्या सकते हम लोग? तो वही बात है कि माँ बाप बुजुर्ग हो गए, उनको अनाथ आश्रम में डालते तो फिर सुनो वो भी आवारा है, अगर उनको आवारा अगर हम कहेंगे तो ये बेसहारा है, तो इसका फिर सामाजिक दायित्व तो किसका बनता है? हम सब का बनता है। और इस बारे में जागरूक अगर उस अखबार ने किया तो ये बहुत बढ़िया पहल है। आप सभी हमारे शहर के साथियों, जैसा कि अभी शर्मा जी ने बताया, देखिए हमारे जीवन में कई तरह की घटनाएं होती हैं और हमारे जीवन के कई उद्देश्य होते हैं। एक हमारे जीवन का उद्देश्य होता है परमार्थ, दूसरे के लिए कुछ करना, और उस पूरी सृष्टि में मनुष्य भी हैं, जीव जंतु हैं, पशु हैं, वो हम पर ही आधारित हैं, हमारे समाज पे निर्भर हैं, जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं वो सब मनुष्य पे आधारित हैं। तो अगर मनुष्य उनसे मुंह मोड़ ले या आंख मोड़ ले या उनकी देखा अनदेखी कर ले तो पूरे समाज पे, पूरी सृष्टि पे, पूरे पर्यावरण पे, उसका लिए पर्यावरण को बचाने के लिए ये भगवान ने ही ऐसा सिस्टम बनाया है कि ये जो जीव जंतु हैं ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, वो ये है कि हम इनका ध्यान रखें, क्योंकि वो मनुष्य भी आश्रित है। संसार में सभी चीजें जो भगवान ने बनाई है वो मनुष्य के लिए बनाई है और मनुष्य भी आश्रित है, मनुष्य का उनका ध्यान रखना मनुष्य का कर्तव्य है। इसी प्रकार से गौवे हैं, जिनको हमारे अगर देखा जाए, बुजुर्ग लोगों ने हमें बचपन से ये सिखाया कि गौ माता है,
जिसका आप सत्कार करो। और अब तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर इस बात को हम लें तो सिर्फ इसका एक प्रैक्टिकल कोई जो सोल्यूशन है वो नहीं निकलता। चाहते हम सब है गौ माता हमारी उसकी आदर हो मान हो वो भूखी न रहे, लेकिन हम कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, ना गवर्नमेंट निकाल पा रही है ना पब्लिक निकाल पा रही है। क्यों? यार सब अपने तक सीमित है, स्वार्थी है। थोड़े से अगर स्वार्थ त्याग दें तो सोल्यूशन निकल सकता है। अगर सरकार भी दूसरी एक्सपेंडिचर जो नौपति की जरूरत नहीं है उनको कम करें, इनके खाते में डालें, शराब पे और पे जो टैक्स ला रहे कुछ इनके खाते में डालें, तो हो सकती है समस्या। कोई बात हमें सोचनी है जो हम मोबाइल पे और सब चीज़ों पे खर्च करते हैं, अगर हम थोड़ा सा उसमें से, एक सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ सिस्टम नहीं बन रहा। मान लो पहले एक रेडी लगी थी वो रोटी ले जाती थी, आटा ले जाती थी। ये जो हमारे जागरण अखबार में निकाली है ये बहुत अच्छी, बहुत शुक्रगुजार हैं हम। और हमें सभी समाज जितने हैं उनका आभारी होना चाहिए जो जागृति ले रहे हैं हमारे अंदर। और ये जागृति जब आएगी बेस के अंदर तो एक नई ही क्या नाम हवा चलेगी, क्योंकि आज हमारा शेड्यूल ऐसा बन चुका है कि हम इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये बहुत बड़ा प्रदूषण है गौ माता का निरादर करना और उसके और ना देखना। सभी सभी काम हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। आप देख रहे हैं अंग्रेजों के टाइम में भी, मुगलों के टाइम में भी संस्थाएं चलती थी और वो समाज के अंदर भलाई के काम करते थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल। दैनिक जागरण से दिन रखा है, इसलिए मैं उनका और भाई अजय का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अच्छी पहल की है। और आज एक ये भी संकल्प लेते हैं कि जितने भी ये जानवर घूम रहे हैं, चाहे वो कौआ है बछड़ा है, इनको कोई भी आवारा नहीं कहेगा। ये आज संकल्प हम सब लेते हैं, इनको बेसारा बोलेंगे। और जैसा कि सभी बता रहे हैं कि सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही, सरकार चलो अपनी जगह कर रही है लेकिन सरकार अकेली भी कुछ नहीं कर सकती जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मेरा तो एक ये भी विचार है कि जैसे यहाँ पे गौशाला है, अगर गौशाला वालों को बुलाकर एक मीटिंग की जाए, भई हम कुछ ना कुछ इसके लिए देंगे और आप इसको वहाँ रखें, क्योंकि जैसे हमारे भाई हैं ये इनका इलाज उज करते हैं लेकिन उसके लिए जगह भी चाहिए, खर्चा भी चाहिए, अब सारी चीज़ तो अकेले नहीं कर सकते। और अगर ये कर रहे हैं हिम्मत कुछ तो हमें सबको इनका साथ देना चाहिए, उसके लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है, जगह की भी जरूरत पड़ती है, तो इनका पूरा सहयोग करें। और बीच में गौशाला वालों से भी एक बार जरूर बात करें, उनको बुला के बैठाएं और उनसे बात करें कि इन जानवरों को आप रखें और इसके लिए कुछ ना कुछ हम अनुदान जरूर देंगे, तो फिर तो इसका सुधार हो सकता है। और वैसे तो इसका कोई सुधार नहीं है। की तरफ से जो ये मुहिम चलाई गई है, मुहिम तो सराहनीय है, अच्छी मुहिम है। गऊ को हम माता कहते हैं और माता की रक्षा करनी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले सोचने का विषय यह है कि यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। पहले जब हम जैसे मंगत राम जी बोल रहे थे, हम छोटे थे जब तो ऐसी स्थिति थी नहीं, अब क्यों ऐसी स्थिति हुई, इसके लिए दोषी कौन है? सरकार के साथ साथ हम लोग भी दोषी हैं। गौ हमने पाली, वो आगे नए दूध नहीं हुई, एक बार दो बार तीन बार हमने उसको छोड़ दिया क्योंकि घास इतना में, अब की बार तू भी 1500 रुपए क्विंटल तक भी मिली। यहाँ पशु जितने भी आ रहे हैं शहर में, हर जगह हर गांव में या कस्बे की एक जगह फिक्स होती है गोचरान भूमि के नाम से, तो हमारे एरिया की भी वो सढ़ोरा एरिया की भी है और हर गाँव में है वो गोचरान की जो जगह है, वो जगह अगर उनको मिल जाएगी ना तो जितने भी वो लावारिस पशु हैं जिनको हम बेसहारा पशु भी बोलते हैं, आवारा इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि आवारा उसको बोलते हैं कि जिसका अपना घर बार है पर फिर भी वो बाहर मटर गश्ती करने के लिए निकला हुआ है, उसको तो आवारा बोलना ठीक है। ये भी एक्चुअली हमें हमारे किसी एक बहुत बड़े शिक्षक गुरुजन थे, उन्होंने बोला था कि ऐसे पशुओं को हम आवारा ना कहें क्योंकि इनका घर वालों ने छोड़ दिया तो लावारिस या बेसहारा है, तो उनके लिए अगर वो गोचरान भूमि रहेगी, उनको पानी और घास वहां मिल जाएगा, तो वो शहर में कभी भी नहीं आएंगे।
हादसे नहीं होंगे, लोगों को परेशानी नहीं होगी और ना ही खेतों में उनकी दिक्कत होगी, कोई फसल खराब नहीं करेगी। हर गांव में है गोचरान जगह, मैक्सिमम पंचायतों ने जो हमारे एरिया की खबर है मुझे पता है वो क्या है, उन्होंने वो जगह गोचरान वाली ठेके पे दे रखी है, लोग खेती कर रहे हैं उससे वो आमदनी आके पंचायत वाले खुद की वो डकार जाते हैं। हमारे एरिया की जो जगह है उस पे यहाँ पे वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। सभी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी हम इकट्ठे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार भाई कुलदीप हर्ष जी, जिन्होंने ये आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है दैनिक जागरण की। वैसे तो हमारे श्री कृष्ण कृपा परिवार में ये एक परंपरा बनाई हुई है, हमारे गुरुदेव परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मुनिषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने कि कृष्ण कृपा परिवार में सबसे पहले जो पहली रोटी बनाई जाती है वो भोग रास के रूप में निकाली जाती है। किसी को भी जिम्मेवारी दे वो भाई वहां पर चारा डालते हैं, अगर मैं हूँ कोई और भी बहुत कर रहे हैं सो रहे हैं लड़के काम, उनको रहते भी चारा डाल दे वहां पर। तो देखो जी पेट उनका भी है, उनको भी भूख लगती है, हमें अगर हमें 2 घंटे रोटी अगर लेट मिल जाए हमारी हालत क्या हो जाती है इंसान की, पर उनको पूछो जी जो उनको पानी नहीं मिलता टाइम पे खाना नहीं वो चारा नहीं दे रहा कोई कुछ नहीं दे रहा, पहली को बहुत परेशान है बेचारी, जख्म हो जाते हैं कि उनको लग जाते हैं, कई बार सींग लग गया किसी का वाहन चल रहे हैं बहुत सी। बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ जी, बस घास डाला जाए, जो बंदा फ्री है घास डाले जी बस। और बातें तो बहुत हैं जी करने में, हालात आज देख रहा हूँ जी बहुत नाजुक हो चुके हैं इनके, पर अब भी लोग आए कटी पड़ी, मैं यहाँ से फ्री होकर बस वहाँ जाऊँगा उनको जो जख्म होंगे वहाँ लगाऊंगा स्प्रे सुप्रू। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ जी देखो जी हर बंदे का आजकल में पैसा है ज्यादा नहीं, कोई तो 100 रुपए की स्प्रे आती है, अपने घर में एक स्प्रे जरूर रखें जी, गाय कोई भी है तो उसका स्प्रे डाल दें बस, जिससे उसका जो जख्म है वो बड़ा ना हो वहीं पर रुक जाए और उस सूखने की तरफ जाए। दैनिक जागरण का गौवंश संकल्प दिवस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला में भी मनाया गया, बच्चों सहित शिक्षकों ने भी गौवंश सुरक्षा संवर्धन गौग्रास हेतु संकल्प लिया। रिश्तेदारों को भी जागरूक करूंगी, मैं दैनिक जागरण की इस मानवीय पहल का स्वागत करता हूँ। गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मुस्कान 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ, मैं दैनिक जागरण का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज हमारे स्कूल में गौग्रास संकल्प का दिवस मनाया है, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने गौ माता के लिए इतना अच्छा गौ माता के लिए घास पानी आदि की व्यवस्था करने का संकल्प लिया है हमने, और हम गौ माता को अपनी तरफ से जितना भी हो सके उनके लिए करेंगे और उनको अच्छे से अच्छा खाना प्राप्त करवाएंगे। धन्यवाद। आज हमने दैनिक जागरण की ओर से गौग्रास संकल्प गौग्रास के लिए संकल्प लिया है। मैं अपने मित्रों रिश्तेदारों और अपने घर वालों को भी कहना चाहूँगा कि हमें गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था कुछ रोटी आटा और अपनी तरफ से जो भी हो सके उनके लिए करना चाहिए, उन्हें पानी देने का आज मैंने संकल्प लिया है, हम उन्हें हरा चारा भी अपने घास में से दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ, मैं दैनिक जागरण को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज गौग्रास संकल्प लिया है। मैं इसके बारे में बहुत सहमत हूँ क्योंकि जो सड़कों पर बेसहारा पशु हैं उनको घास चारा डालने के लिए उन्होंने हमें संकल्प दिलाया है, और आज से हम अपने रिश्तेदारों को और अपने घर परिवार को सबको ये बताएंगे कि जो बेसहारा पशु सड़कों पर ऐसे ही घूमते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए, और थोड़ा बहुत चारा हम अपने पशुओं के लिए भी लाते हैं तो कोई नुकसान नहीं, अगर हम थोड़ा बहुत उन बेसहारा पशुओं के लिए डाल देंगे। धन्यवाद। वास्तव में दैनिक जागरण समूह की यह मानवीय पहल स्वागत योग्य है, हम सबको इसका अनुसरण करना चाहिए व गौ वंश के सुरक्षा व संवर्धन के लिए कार्य करना चाहिए। गौ ग्रास का भी संकल्प लेकर इसके निमित्त कार्य करना चाहिए। हम अपनी टीम की तरफ से दैनिक जागरण परिवार को जो है इस कार्य के लिए साधुवाद देते हैं, और इस मुहिम में हम भी आत्मसात करते हुए इस मुहिम का पूरी तरह से समर्थन करते हुए इसमें कार्य करने का संकल्प लेते हैं।
यह थी स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति। आज यह है संकल्प दिवस का आयोजन करवाने के लिए धन्यवाद करते हैं दैनिक जागरण समूह के स्थानीय पत्रकार कुलदीप कुमार हर्ष का, जिनके माध्यम से आज समाज सेवी लोग यहां पर एकत्रित हुए और सभी ने गौ वंश की रक्षा संवर्धन के लिए संकल्प लिया, गौ ग्रास हेतु भी संकल्प लिया।